गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वेनसडे 20th ऑफ सितंबर और अभी टाइम हो रहा है 10:24। हमारी हालत देखिए गाइस, आप समझ ही रहे हैं, जस्ट उठे हैं, फ्रेश हुए हैं और निकल पड़े हैं हल्द्वानी की ओर। हमारे साथ है नानी जी। गाइस, नानी जी आज फिर से हैं। नानी जी को अर्जेंटली हल्द्वानी आना था और हम नानी जी को मना कर नहीं पाए। नानी जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, ठीक हो रही हूँ, हल्द्वानी जा रही हूँ अपने नाती के साथ। अच्छा, और स्वास्थ्य स्वास्थ्य सब सही है? स्वास्थ्य सब ठीक है, बढ़िया। सफर बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हम बहुत भीमताल पहुँचने वाले हैं। चलिए, बढ़िया बढ़िया। गाइस हम पहुँच चुके हैं घर और आपको दिखाते हैं एक चीज, ये देखिए गाइस, पहली बार हमारे यहाँ गाइस। अरे उनो यार, तू कितना बोलता है बीच में, चुप। हाँ तो गाइस हम कहाँ थे, ये देखिए गाइस, पहली बार हमारे घर में जो है गणेश जी की स्थापना हुई है गाइस। देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है, और ये ऊना देव गाइस कितना हल्ला कर रहा है, कितना हल्ला कर रहा है, इसको हो रहा है कि मुझे अंदर खोलो। अभी नानी जी आई है ना गाइस, गणपति बाप्पा मोरिया। तो गाइस ये ऊना को हो रही है कि मुझे क्यों बात दिया। और गाइस नानी आई है ना, ये नानी को बहुत परेशान करता है। ये देखिए गाइस, गाइस हम निकल चुके हैं घर से वापस कैफे की ओर, और अभी हमारे साथ हैं हमारी माता जी और उनकी माता जी। गाइस अभी हम इनको लेकर जा रहे हैं काम से कहीं पे, उसके बाद हम जाएंगे सीधा कैफे। बस आज मौसम हल्द्वानी में उतना गर्म नहीं है जितना यूजुअली रहता है। और कैसे हैं आप दोनों बताइए? हम एकदम बढ़िया, हमारे घर में गणपति बाबा आए हैं। यस, कल हम उसी में बिजी थे, तब आज हमने कहा थोड़ी बाजार शॉपिंग करने निकले। बस गाइज इनकी शॉपिंग करवा के हम चले जाएंगे कैफे, आज कैफे में बहुत काम है। मम्मी लोग को कर दिया ड्रॉप गाइज, और अभी हम जा रहे हैं कैफे की ओर, ये है नैनीताल रोड। और गाइज कल मैंने जैसा आपको बताया था कि तबीयत थोड़ी नासाज है, आज तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे टॉन्सिल्स हो गए गाइज, थोड़ा ना पेन हो रहा है, बाकी तो मस्त एकदम। अभी गाइज वॉफल खाने का बड़ा मन कर रहा है यार, लेकिन गले की हालत देख के वे समझ में नहीं आ रहा कि खाएं ना खाएं। गाइस हमारा गला जो है वो हार चुका है और हमारा दिल जो है वो जीत चुका है, बस फर्क इतना है करिए क्या 1500 रुपये आए गाइस। एक सेकंड गाइस, सॉरी पेमेंट आई थी ना तो देखना पड़ता, थोड़ा हैवी पेमेंट थी। हमेशा गाइस अपने दिल की सुननी चाहिए, मैंने भी अपने दिल की सुनी गाइस। बार बार दिल बोल रहा था कि वॉफल खाना है वॉफल खाना है, मैंने कहा यार अब इतना कह रहा है तो खा लेते हैं, अगर पैसे दे दियो तेरी तरफ से हो जाएगा। नहीं 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 पैसे तो आप ही देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आ चुके गाइस अपनी फेवरेट स्पॉट बेल्जियन वॉफल। गाइस आज हमने लिया है पीनट बटर वॉफल। गाइस हमारे एक मित्र हैं वो 75 हार्ट चैलेंज कर रहे हैं, तो वो पीनट बटर काफ़ी लेते हैं, तो मेरे को भी उन्होंने बोला कि आप भी फिटनेस में ध्यान दो, तो मैंने वॉफल जो है वो पीनट बटर ले लिया। ऐसे धीरे धीरे ही तो होगा गाइस, आज पीनट बटर वॉफल में, कल दूध में होगा, फिर ब्रेड में होगा, धीरे धीरे पूरा फिटनेस। गाइस मैं आपको बताऊं, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, जो है 75 हार्ड है 95 हार्ड है, नो। मैं गाइस एक बार अगर फिटनेस जर्नी में आ गया 75 इजी कर दूंगा हार्ड को, मैं आना नहीं चाहता गाइस। अगर मान लीजिए मैं आ गया, तो जो हमारे फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, हमारे मित्र हैं शशांक नेगी, हिमांशु जोशी, ये कहाँ जाएंगे गाइस? नहीं गाइस ऐसे नहीं, देखिए मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो फिटनेस वाली व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ रखना है। ऐसे नहीं गाइस, मेरा मानना ये गाइस कि आप भी बढ़ो अपने दोस्तों को भी बढ़ाओ। कल के दिन मैं अगर ये आ जाऊं फिटनेस लाइन में तो ये कहाँ जाएंगे? हम ये होने नहीं दे सकते गाइस, हम ग्रो करेंगे अपने साथ वालों को भी ग्रो कराएंगे। गाइस इतना अच्छा मेरा दिन जा रहा था, इतना बढ़िया मेरा दिन जा रहा था, मेरे कुछ मित्र हैं उन्होंने वीडियो कॉल करके अपनी शक्लें दिखा दी, पूरा मूड ऑफ कर दिया गाइस। गाइस उनकी शक्लें लगाऊंगा मैं इस क्लिप में, फिर आप देखना उनकी शक्लें, आपका ही मूड ऑफ हो जाएगा, मेरा हुआ है तो मैं सबका मूड ऑफ कराऊंगा। वेलकम बैक गाइस, अभी हमें कैफे में, कैफे पहुंच गए थे टाइम से, और हमारे कैफे में आते ही टेबल्स लगी हुई थी, तो फिर इसलिए हम ब्लॉक कर नहीं पाए। आज गाइस कैफे में लाइट नहीं है, तो अभी टेबल्स नहीं है, तो हम थोड़ा पावर कंजम्पशन जो है कम कर रहे हैं और पावर सेव कर रहे हैं। और बाकी गाइस आज काफ़ी अच्छा दिन रहा है जब से कैफे आए हैं,
प्री ऑर्डर्स काफ़ी आए हैं, टचवुड डन, एकदम बढ़िया, खुशी का दिन हो चुका है। बाकी गाइस मौसम बढ़िया हो रहा है इस समय तो, और देखते हैं अभी तो 5:20 हो रहा है, देखते हैं आगे दिन कैसे जाता है। गाइस ये देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे कैफ़े की हर टेबल में रहते हैं, ये फ्लावर्स हैं, क्रोशिया से बने हुए हैं, वुलन फ्लावर्स हैं, और लिटरली ऑलमोस्ट 7 out of 8 टेबल्स हमसे पूछते हैं कि ये कहाँ से बनाया, किसने बनाया। तो गाइस बिग शाउट आउट विम्जी पैलेट को जिन्होंने हमें बना के दिए सक्सेसफुली, और गाइस मैं यहाँ पे कहीं पे उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूंगा, आप मंगा सकते हैं। गाइस देखिए बाहर बारिश हो रही है, ऊपर पूरा फॉग आ चुका है, और सारे ऑर्डर्स अब पैक वाले होने वाले। गाइस अभी 2 ऑर्डर पैक के चल रहे हैं, जैसे ही बारिश आती है हम समझ जाते हैं कि अब तो कुछ काम होगा नहीं, सिर्फ पैक ऑर्डर्स होंगे बस। बाकी तो बढ़िया चल रहा है यार गाइस, तबीयत थोड़ी साथ नहीं दे रही है इस बीच, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिकवर करेंगे, और कल कहीं जाने का प्लान बन रहा है तो कल का ब्लॉग देखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा गाइस लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। बाकी देखते हैं, मैं देख रहा हूँ अभी रोडीज, और गाइस आपका भाई भी एक दिन रोडीज में जाएगा। बात है गाइस, बात है, ये ब्लॉग में आप सब अपना कॉमेंट करिए कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करें, जो भी कॉमेंट करना है वो करिए, लेकिन रोडीज में भाई बिल्कुल रोडीज में, जैसे ब्लॉगिंग का हमने स्टार्ट किया है हमसे किसी ने बोला था, वैसे ही रोडीज का भी हमसे हमारे बड़े भाई साहब ने बोला था, रोडीज में भी जरूर जाएंगे गाइस जरूर, बस कुछ साल आप दीजिए जरूर। गाइस हमारे कस्टमर इतने अच्छे हैं, और हमारा मतलब समझ रहे हैं ना, हमारी वाइब ऐसा अट्रैक्ट करती है कि बारिश में भी गाइस रिजर्वेशन आई है, और बारिश में तो देखिए बड़े मालिक साहब कुछ एक्सप्लेन करता है, बड़े भाई साहब बारिश में तो कोई अपने घर से ना निकले, वही देखिए बड़े मालिक साहब के हालत देखिए, आप जैकेट जुकेट पहनी हुई, इतना ठंडा हो रहा है, लेकिन हमारे खाने को लोग ऐसी है फिर गाइस, आप लोग तो मिस कर रहे हैं, मैं आपसे कहता ही हूँ कि आप लोग आइए। ये देखिए गाइस ये दो टेबल हम ज्वाइन कर देंगे, यही है हमारी गाइस, जब भी बड़ी पार्टी आती है तो हम ये दो टेबल जो है ज्वाइन कराते हैं। बाकी आपको फिर दिखाते हैं गाइस कस्टमर और टेबल का सीन शॉट। गाइस ये देखिए बड़े भाई साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कों को हमारे, कल यूट्यूब में आओगे भाई लोग एकदम, नाइस फूड लिख दो कोई दिक्कत नहीं है यार, अच्छा लगा ना बस फिर ये चलो, अपना दोनों नाम बताओ, कृष्णा, और भाई आपका कैसा लगा खाना, बढ़िया एकदम, कहाँ से आए हो, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से यहाँ आए हो, क्या बात है, हमारा खाना इतना फेमस है यार। गाइस डिनर टेबल जा चुकी है, और आपको बताइए सर्विस मैनेजर दर्शन बेहतरीन काम करते हुए, और बाकी गाइस टेबल जा चुकी है, अब स्टाफ का खाना चलेगा, जैसे आपको पता है तबीयत थोड़ी नासाज है तो सर दर्द हल्का हल्का हो रहा है, 9:42 टाइम हो चुका है, सीधा सोते हैं अब मजे करते हैं, बाय सी या, वेलकम बैक गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:13, हम पी रहे हैं गाइस स्टाफ की कॉफ़ी, हेजलनट कॉफ़ी गाइस, वैसे तो हमारी हेजलनट कॉफ़ी फेमस है और इट्स लव्ड बाय आवर कस्टमर्स स्पेशली गर्ल्स, गर्ल्स आती हैं आते ही छूटते ही कहती हैं हेजलनट कॉफ़ी गाइस, लेकिन अभी इतना समय नहीं था कि मशीन से बनाया, तो हमने जैसे बनती है वही दूध में ही सब कुछ डाल के वैसे बना दी है, बढ़िया हो रही है लेकिन, और आज का दिन गाइस अच्छा था, बहुत अच्छा था आज का दिन, अच्छा इस पर्पज से भी था कि आज तो काम हुआ ही हुआ, प्री ऑर्डर्स बहुत मिले, और बाकी कल हम जाएंगे गाइस मुक्तेश्वर धाम, पहली बार मैं मुक्तेश्वर जाऊंगा, और सुबह सुबह निकल जाएंगे तो आपको कल का भी ब्लॉग दिखाएंगे। बाकी आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं गाइज, डिनर हो चुका है, बस कॉफ़ी पी रहे हैं, शट डाउन करते हैं, सोते हैं, और मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन में। गुड नाइट गाइज, पीस आउट, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट, पीस आउट।